गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट्स. सो इन टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सोल्स्टिस एंड इक्विनोक्स. सो वॉट आर दिस लेटर ऑन वी विल डिस्कस. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट इन आर प्रीवियस वीडियो वी हैव बीन डिस्कस्ड अबाउट द मोशंस ऑफ द अर्थ. देर आर टू काइंड्स ऑफ मोशंस. दे आर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. टू कम्प्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस अर्थ टेक्स 24 आवर्स एंड To complete one revolution on its orbit, Earth takes 365 days and 6 hours. Yesterday we have been discussed about these all. And I also explained to you about, in our previous video. And we also haven't discussed about the leap year. The concept of leap year, मैंने आपको समझाया था कि सिक्स और जो एडिशनल होते हैं रिवोल्यूशन वन रिवोल्यूशन में अर्थ के, वो सिक्स और जो है एवरी ईयर हम जो है प्लस करते जाते हैं. और आफ्टर एवरी फोर्थ ईयर हर चौथे साल में वो जो है वो सिक्स और जो है 24 आवर्स में कन्वर्ट होकर एक वन डे में कन्वर्ट हो जाते हैं. और ये वन एडिशनल डे जो है हम फेब्रवरी में ऐड कर देते हैं उस ईयर को. हम जब फेब्रवरी 29 की हो जाती है वन एक्स्ट्रा एडिशनल डे ऐड होने की वजह से, तो उसको हम लीप ईयर बोलते हैं. अदरवाइज बाकी जितने भी ईयर्स हैं उनको हम जनरल ईयर बोलते हैं. यानी आफ्टर एवरी मैंने हर चौथा साल जो होता है वो लीप ईयर होता है. नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सोल्स्टिस एंड इक्विनोक्स. हियर आई हैव गिवन टू यू द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. यू मे रीड. नाउ स्टूडेंट्स, सीजन्स. फर्स्टली सीजन्स, देयर आर फोर सीजन बेसिकली ऑन द अर्थ. दीज आर कॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट. यानी रात और दिन की अवधि की समय सीमा जो होती है, कभी रात बड़ी हो जाती है, कभी दिन छोटे हो जाते हैं, कहीं दिन बड़े हो जाते हैं. पूरे वर्ल्ड में ऐसा अलग अलग पार्ट में चलता रहता है अलग अलग जोन की वजह से. ड्यू टू द डिफरेंट जोन्स लाइक वी कैन से इन द डिफरेंट जोन्स लाइक टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिड जोन. ओके, सो हियर we can say the duration of day and night and temperature, these are the two main factors which causes different seasons on the earth. okay, jinki wajah se earth par do alag alag tarah ke seasons hote hain. now inside fact is given at here. the eastern sahara is the sunniest place on the earth with sunshine for over 90% of all daylight. yani eastern sahara jo hai wo duniya ka sabse zyada sunniest yani sabse ज़्यादा जो है वहाँ पर सूर्य जो है चमकता है. ठीक है, और जो है विद सनशाइन फॉर ओवर 90% ऑफ ऑल डे लाइट. एंड दिन भर में जितनी भी सूरज रोशनी था उसका 90% जो है ये इस एरिया पर पड़ती है, ये एरिया रिसीव करता है. नाउ स्टूडेंट, हियर यू कैन सी दैट ऑन 21st June, ऑन जून 21st द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. हम क्या रीड करने जा रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं सोल्स्टिस. सोल्स्टिस क्या होते हैं? ओके, टू टाइप्स के सोल्स्टिस होते हैं, विंटर सोल्स्टिस एंड समर सोल्स्टिस. तो विंटर सोल्स्टिस और समर सोल्स्टिस क्या होते हैं और कैसे होते हैं? ओके, सो रीड हियर. ऑन 21st June द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. 21 जून को क्या होता है? जो उत्तरी ध्रुव गोलार्ध होता है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो सूरज की तरफ जो है झुक जाता है. ओके, क्यों झुक जाता है? बिकॉज हमारी अर्थ जो है टिल्ट करी हुई है 23.5 डिग्री के एंगल पर, वो टिल्ट करती है. द सन एंड सन रेज, तो सूरज और सूरज की किरणें जो होती है वो फॉल डायरेक्टली, सूरज की किरणें जो है सीधे सीधे जो है कहाँ पर आती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आती है. आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये लेटिट्यूड है. ओके, जो कि इंडिया से भी पास होता है. हमारा इंडिया भी जो, इट मीन्स इंडिया जो है कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो है 21 जून को सनलाइट जो होती है वो डायरेक्टली यानी सीधे सीधे जो है आती है. इससे क्या होता है यानी ज़्यादा सनलाइट आती है, ऐसा हम बोल सकते हैं. रीजन्स लाइक नियर द ट्रॉपिक्स, तो इन ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के जो एरियाज होते हैं और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो एरियाज होते हैं वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एज़ कम्पेयर टू द एरियाज नियर द पोल. पोल यानी 90 डिग्री नॉर्थ पोल जो होते हैं और 90 डिग्री साउथ पोल, या यूँ बोल दीजिए 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर तो 90 डिग्री नॉर्थ
क्या होता है वहाँ से, ये जो पोल एरिया है इसके कंपैरिजन में ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ज़्यादा हीट जो है यहाँ पर हो जाती है। ओके, तो पोल एरियाज में क्या होता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सन रेज क्या होती है, वो वर्टिकल डायरेक्टली नहीं आती, वहाँ स्लेंटिंग यानी तिरछी आती है, और डिस्टेंस भी सन और अर्थ की वहाँ पर बढ़ जाती है, इसलिए वहाँ पर कम रोशनी आती है और कम हीट आने की वजह से वो एरियाज कोल्डर बने रहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या होता है, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड द सन, उत्तरी ध्रुव जो है पूरी तरीके से क्या होता है, सूरज की तरफ झुक जाता है, एंड प्लेसेस बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड आर्कटिक सर्कल, और वो जगह जो नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में है वहाँ पर कंटिन्यूस डे लाइट आती है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानि 6 महीने तक लगातार आर्कटिक सर्कल यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर तो 90 डिग्री नॉर्थ तक जो है क्या होता है, वहाँ पर लगातार 6 महीने तक दिन होता है। कब की बात कर रहे हैं, जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून को 21 जून को सूरज की किरणें सीधी सीधी आती, तब की बात पढ़ रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर है। अब इसमें क्या होता है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मोर लाइट हैंस इट एक्सपीरियंस द समर सीजन। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लाइट आ रही है, ठीक है, जून मंथ की बात हो रही है, तब जो है यहाँ पर समर सीजन, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस समय क्या होता है, समर सीजन होता है। द डेज आर लॉन्गर, दिन बड़े होते हैं और नाइट छोटी होती है। ऑन 21 जून व्हेन द सन रेज फॉल वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट फॉर ऑल प्लेसेज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज की किरणें सीधी सीधी आती है, उस दिन पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे सारी जगहों पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इंटरेस्टिंगली, और इसमें रोमांच वाली बात यह है कि ये सिचुएशन उल्टी होती है कहाँ पर, सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में। अब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जिस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून वाली कंडीशन हमने पढ़ी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधे सीधे सूरज की किरणें आती है और जो है आर्कटिक सर्कल से लेकर तो 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक जो है वहाँ पर क्या होता है, पूरे 6 महीने के लिए दिन और जो है क्या होती है 6 महीने के लिए रात। तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, इन द सदर्न हेमिस्फीयर वेयर द टेम्परेचर इज लो, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है और यहाँ पर विंटर सीजन होता है उस समय, जब 21 जून की टाइम की जब हम बात कर रहे हैं, यानी जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर समर सीजन होता है, तब सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय क्या हो रहा होगा, उल्टा यानी ठंड वहाँ पर पड़ रही है, ठंड गिर रही होगी। ओके, और टेम्परेचर बहुत डाउन होगा और वहाँ पर क्या होंगे, दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होगी। जैसे हमने पढ़ा कि 21 जून को 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी, तो सदर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा, सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी। ठीक है, और टेम्परेचर बहुत डाउन और विंटर सीजन होगा, और जो है वो प्लेसेस जो कहाँ पर आ रहे हैं, अंटार्कटिक सर्कल से 90 डिग्री साउथ पोल तक आ रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है उस समय, कंटिन्यूस 6 महीने तक रात होगी। ठीक है, दिस सिचुएशन इस टर्म्ड इज समर सोल्स्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, इस सिचुएशन को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए समर सोल्स्टिस हो जाएगा और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए विंटर सोल्स्टिस हो जाएगा। फिर भी आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर एक और बात लिखी है कि फोर प्लेसेस ऑन द इक्वेटर द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर, यानि जो जगह या जो एरियाज इक्वेटर पर आते हैं यानी 0 डिग्री लेटीट्यूड पर आते हैं, वहाँ पर दिन और रात पूरे साल बराबर होते हैं। ठीक है, यानी वहाँ पर दिन और रात कभी छोटे होते ही नहीं हैं। ओके, नाउ एक और बात यहाँ पर देखिए, अब 22 दिसंबर, वैसे तो हमने पढ़ लिया है कि समर सोल्स्टिस क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कॉन्सेप्ट में, के कॉन्टेक्ट में, कॉन्टेक्स्ट में कि किससे क्या होता है, 21 जून का एग्जांपल लेके। अब अगर हम बात करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर की, तो वहाँ पर जो है ये सोल्स्टिस कब होता है, ऑन 22 दिसंबर द सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। अब यही रिवर्स सिचुएशन होती है कि सदर्न हेमिस्फीयर जो है कब आता है सूरज के सामने डायरेक्टली, जो है
22 दिसंबर को जो है सनरेज जो है सीधे सीधे जो है सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर पड़ती है, यानी 23.5 डिग्री सदर्न लेटिट्यूड पर पड़ती है। तो इससे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जितने भी प्लेसेस है वहाँ पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी, ठीक है। और द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नाउ हैविंग विंटर विद शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स, यानी इसका उल्टा कहाँ पर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। अब प्लेसेस बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल विल एक्सपीरियंस 6 मंथ ऑफ डार्कनेस। अब ठीक इसी समय जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, आर्कटिक सर्कल यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर तो 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक वहाँ पर 6 महीने लगातार रात होगी, ठीक है। और इधर सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, 6 महीने तक लगातार दिन होगा, कहाँ पर, अंटार्कटिक सर्कल से लेकर तो नॉर्थ साउथ पोल तक, यानी 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक, ठीक है। और जो है विंटर सीजन होगा एक्सट्रीमली विंटर, तो इसे जो है हम क्या कहेंगे, विंटर सोल्स्टिस। यानी आप सीधा समझ लीजिए कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस है यानी गर्मी जब हमारे इधर पड़ती है, तो इसका उल्टा और ठीक इसी समय जो है कहाँ पर हो रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है। यानी जब हमारे यहाँ समर सीजन है, गर्मी है सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज की किरणें सीधे सीधे आ रही है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, आर्कटिक सर्कल से लेकर यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक पूरे कंटिन्यूसली 6 महीने तक दिन होगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जितनी भी जगह है वहाँ पर 21 जून को दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी, सॉरी पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही दिन और रात जो है क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन और रात बराबर हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा हम रॉन्ग हो गए स्टूडेंट। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सनलाइट यानी 21 जून को जो है बिल्कुल सन उसके सन और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले जो प्लेसेस है ये बिल्कुल आमने सामने हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। और ये जो 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर तो 90 डिग्री नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक सर्कल से लेकर तो 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक क्या होगा, वहाँ पर 6 महीने कंटिन्यू दिन होगा, ठीक है। यानी समर सीजन हो रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब इसका ठीक उल्टा कहाँ पर हो रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। लेकिन इक्वेटर पर जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर हमेशा दिन और रात बराबर ही होते हैं पूरे साल, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में, मैंने आपको समझाया कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, 22 दिसंबर को वहाँ पर जो है सूरज की किरणें सीधी सीधी जो है सूरज और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 डिग्री साउथ साउथर्न लेटिट्यूड जो है सामने हो जाएगा, आमने सामने हो जाएंगे। तो वहाँ पर सबसे उस दिन जो है 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी सदर्न हेमिस्फीयर में, ओके। और जो है पूरे पूरे जो मैंने आप देखिए ट्रॉपिक ऑफ के ये जो हैं पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे जो है छोटी रात होगी 22 दिसंबर को। और जो प्लेसेस हैं अंटार्कटिक सर्कल और जो है 90 डिग्री साउथ तक वहाँ पर कंटिन्यूसली 6 महीने दिन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो यानी इसके जस्ट अपोजिट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जब इधर दिन है तो उधर रात है, समझ में आ रहा, मतलब यहाँ पर अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें कि यहाँ पर 6 महीने दिन रहेगा तो उस समय 6 महीने रात होगी कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उन्हीं लेटीट्यूड्स पर, इतनी बात समझ जाइए, उन्हीं सेम लेटीट्यूड्स पर, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ पोल पर जो है कंटिन्यूसली जो है क्या होगा, दिन होगा जब समर सोल्स्टिस होगा कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ठीक उसके उल्टे साउथर्न हेमिस्फीयर में जो है विंटर सोल्स्टिस हो रहा होगा, वहाँ पर 6 महीने की रात हो रही होगी 66.5 डिग्री सदर्न लेटीट्यूड से लेकर तो 90 डिग्री साउथर्न साउथ पोल तक। यानी
अंटार्कटिक सर्कल से 90 डिग्री साउथ पोल तक के एरियाज में 6 महीने तक रात हो रही है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ओके नाउ स्टूडेंट, अब आप जो है इक्विनोक्सेस क्या होते हैं इनको पढ़िए। तो इक्विनोक्स एक ऐसा दिन होता है जब सूरज जो है सीधे सीधे चमकता है इक्वेटर पर, एंड ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ हैव इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, और पूरी पृथ्वी पर जितनी भी जगह है वहां पर दिन और रात बराबर हो जाते हैं। ठीक है, एंड ऑन मार्च 21st एंड सेप्टेम्बर 23rd, मार्च 21st और सेप्टेम्बर 23rd को क्या होता है, दीज आर द टू डेज वेन डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, ये वो दो दिन हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं पूरी पृथ्वी पर, यानी इक्विनोक्स होता है। ओके नाउ हियर ऑन मार्च 21st एंड सेप्टेम्बर 23rd द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, सीधे सीधे सूरज की किरणें इक्वेटर पर आती है, यानी इक्वेटर और सूरज आमने सामने हो जाते हैं। एट दिस पोजिशन बोथ द पोल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड द एंटायर वर्ल्ड एक्सपीरियंस एन इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, यानी पूरी दुनिया में पूरी पृथ्वी पर जो है दिन और रात बराबर होते हैं सूरज और पृथ्वी के आमने सामने, सॉरी इक्वेटर और सूरज के जो है आमने सामने आने पर ही। नाउ दीज डेज आर नोन एज इक्विनोक्सेस, मार्च 21st इज स्प्रिंग इक्विनोक्स एंड सेप्टेम्बर 23rd इज ऑटम इक्विनोक्स, कहाँ पर, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21st सेप्टेम्बर मार्च को क्या होगा स्प्रिंग इक्विनोक्स होगा, और 23rd सेप्टेम्बर को क्या होगा ऑटम इक्विनोक्स होगा, इसका उल्टा कहाँ पर होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। आप पढ़ना, इफ द अर्थ एक्सिस वॉट नॉट इंक्लाइंड, अगर अर्थ की एक्सिस इंक्लाइंड यानी झुकी हुई नहीं होती, जैसा हम बोल रहे हैं कि ये झुकी हुई है, कितना 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसके वर्टिकल प्लेन से, इसके ऑर्बिटल प्लेन से ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसकी जो है तो अर्थ अपनी एक्सिस से तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और अपने ऑर्बिटल प्लेन से जो है कितना 66 आप बोल सकते हैं 66.5 डिग्री का जो है ये एंगल बनाती है, झुकी हुई है, और यही टिल्ट, ये जो टिल्ट है यानी ये जो झुकाव है अर्थ का, इसकी वजह से क्या हो रहा है अर्थ पर, क्या हो रहे हैं सीजन हो रहे हैं। अगर अर्थ टिल्टेड नहीं होती, झुकी हुई नहीं होती, अगर इसकी एक्सिस पर ये 23.5 डिग्री झुकी हुई नहीं होती और इसके ऑर्बिटल प्लेन से ये 66.5 डिग्री झुकी हुई नहीं होती, तो अर्थ पर कोई सीजन होता ही नहीं, देयर वुड बी नॉट सीजन्स ऑन द अर्थ, इट इज़ बिकॉज ऑफ द टिल्टेड एक्सिस दैट द टू पोल्स आर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एट डिफरेंट टाइम्स रिजल्टिंग इन अपोजिट सीजन्स विद इन अ ईयर, और यही कारण है कि दोनों जो पोल है अर्थ के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये अर्थ ये सूरज के सामने अलग अलग टाइमिंग पर या ड्यूरेशन ऑफ द ईयर जो है सामने आते हैं सूरज के, इसी वजह से अर्थ पर जो है क्या होते हैं सीजन्स होते हैं। स्टूडेंट आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे आपको समझ में आएगा, आप जो है 2 times चैप्टर को रीड करिए, डायग्राम्स देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, और बेटर रहेगा कि अगर आप नॉर्दर्न, पहले आप समर सोल्स्टिस अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं तो आप जो है साउदर्न हेमिस्फीयर वाला नहीं पढ़े, उसको अपोजिट मान ले, उसको बाद में आप पढ़ना ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। ओके स्टूडेंट, सो ये कंटेंट थे इस चैप्टर के, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, सीजन्स, ओके लीप ईयर, इक्विनोक्स, सोल्स्टिस एंड इक्विनोक्सेस, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन माई मैसेज बुक। थैंक यू अगेन।